ओम शांति। दादी जानकी जी के जीवन में साधना और उसके साथ साथ साधन दोनों का बहुत बहुत संतुलन था। हम आज के जीवन में देखते हैं कि मनुष्य ने इतने साधन आविष्कार हुए, फिर उसका आधार ले लिया और दिन प्रतिदिन साधन के आधार पर मनुष्य जीवन की चल जीवन चल रही है। ऐसे तो देखो साधनों में भी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग भी ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे कि वर्तमान समय पर सबके पास आईफोन है, सेलफोन है, कंप्यूटर है, तो आज उसकी आवश्यकता है, तो वो साधन ज़रूरी है। तो कई साधन ऐसे हैं जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, परंतु वो आवश्यकताएं अगर हम चाहें तो सीमित भी रख सकते हैं, चाहे तो हम उनको बढ़ाते भी जाएं, और बढ़ाते बढ़ाते वो आवश्यकताओं के साथ साथ बहुत कंफर्ट भी बढ़ जाते हैं हमारे, कि ये कंफर्टेबल है चलो और कर लो, ये कंफर्टेबल है तो बेटर बेटर करते रहते हैं। परंतु उसके साथ एक ऐसा समय आता है कि वो बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत भौतिकवाद और उसमें एक लग्जरी की तरफ चले जाते हैं। जैसे देखो एक होता है बेसिक नीड्स और फिर लग्जरी हो जाती है। तो समय आज ऐसा है जो हमको ये संकेत देता है कि जितना आवश्यक है उतने साधन प्रयोग करो और उससे ज़्यादा लोभवश और स्वार्थवश हम उनको न बटोरें। तो इसमें एक बहुत आवश्यक है साथ में, जिसको हम साधना कहते हैं। तो आप सोचेंगे जो साधु लोग हैं, महात्मा हैं, सन्यासी हैं, शायद वो ही साधना कर सकते हैं, लेकिन नहीं, व्यवहारिक जीवन में, परिवार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए हम साधना भी कर सकते हैं। हम देखते थे दादी जानकी जी की जीवन और भी इसी तरह से इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनका व्यवहारिक जीवन, चाहे वो परिवार में है, चाहे अगर वो संस्था में भी हैं, तो उनका सामाजिक व्यवहारिक जीवन के प्रति कर्म तो चलता ही है। परंतु साधन वो यूज़ करके, साधना साथ में ना होगी तो साधन एक ऐसा आधार हो जाएगा जो जीवन में दुख का कारण बन सकता है, कई बातों से हमको वंचित रख सकता है। तो साधना में कुछ ऐसी बातें हैं, उसका हमको ध्यान देना ज़रूरी है कि साधन जितने भी हैं वो शरीर के लिए हैं, लेकिन साधना जो है वो आत्मा को बल देती है, आत्मा के अंदर संतुलन बनाती है, एक संयम जीवन में रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए साधना में सबसे पहली साधना है जिसमें हम अपने असली स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, और उसमें दिन में कई बार हम स्थिर होने की कोशिश करें, जिससे कि मनोबल बढ़ेगा और खुद महसूस करेंगे कि इस आत्मिक भाव में, आत्मिक स्थिति में परमात्मा के समीप अपने को अनुभव करना बहुत सहज हो जाएगा। तो आत्मिक स्थिति क्या है कि अपने को मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, और मैं आत्मा जो है वो क्या है, आत्मा एक लाइट है और उसमें शक्ति है, एनर्जी है। तो वो एनर्जी एकदम प्योर एनर्जी रहे, उसमें कुछ भी नेगेटिव एनर्जी ना हो, कोई भी बहुत चिंतन, बहुत विचार, व्यर्थ विचार या कोई नेगेटिव जिसमें संदेह की भावना है, डाउटफुल नेचर, इस तरह के संकल्प नहीं आने चाहिए, परंतु सदा ही हमेशा विश्वास हो, धैर्यता हो, गंभीरता हो, मधुरता हो, गुणों युक्त संकल्प हमारे जीवन में रहे तो मनोबल बना रहता है। तो ऐसे ऐसे आत्मिक भाव के संकल्प लाके कि मैं शरीर में हूँ पर अभी मुझे शरीर से न्यारा होना है, तो साधना करने के लिए कोई 10 मिनट, कोई 20 मिनट, आधा घंटा,
जो भी दिन में समय मिले, जब भी मन परेशान है, एंजाइटी में है, लग रहा है कि अभी दुखी हो रहा है, डर है, उस समय पर आप ये साधना करिए और साधना करके अपने मन को स्थिर करिए और उसके साथ साथ फिर अपने मन और बुद्धि को एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र करना। जैसे एकाग्रता में एक तो मेहनत होती है, दूसरा जहाँ पर प्यार होता है वहाँ मन तो बार बार जाता है, मन को हटाना पड़ता है। तो मैं आत्मा हूँ, मेरा एक संबंध परमात्मा से ऐसा संबंध है जो अनादि है और अविनाशी है। जितने भी संसार में संबंध हैं सबकी एक ड्यूरेशन होती है, एक लाइफ स्पैन होता है, कहीं की 70 साल होगा, 80 साल होगा, लेकिन अविनाशी इम्पेरिशेबल तो नहीं है ना। तो जब परमात्मा के बारे में हम सोचते हैं और मेरा अनादि अविनाशी संबंध परमात्मा से है और वो मेरा क्रिएटर है, माता पिता है, सर्व संबंध है, तो दिल का प्यार अगर परमात्मा से है तो उसकी याद, उससे मन में उस मन उसकी तरफ जाए, एक बहुत स्वाभाविक हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है। तो इसलिए साधना की कुछ और भी बातें हम विस्तार में ले सकते हैं, पर आज हम साधना को इतने तक लेंगे कि अपने मन को आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद में स्थिर करना, और इसके साथ साथ जिन साधनों की आवश्यकता है उनका हम प्रयोग करें, उनका ही हम आधार लें, लेकिन साधनों को हम बटोरे नहीं, इकट्ठा नहीं करें, आधारित नहीं बने, क्योंकि समय अनुसार हमको ये संकेत मिलता है कि साधना जीवन में बहुत आवश्यक है। ओम शांति।